छात्रों, आज हम अध्याय 8 जो स्थानीय शासन जो कि हमने पूर्व में पढ़ा था उसका ये भाग 2 है। हमने पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन नियम। आज हम पढ़ेंगे इसके मतलब जो संविधान में संशोधन किया गया है पंचायती राज व्यवस्थाओं को सही रूप देने के लिए। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार उनके हमने कार्य पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि राज्य चुनाव आयुक्त, पहले प्रादेशिक स्तर पर चुनाव करवाए जाते थे, आजकल एक राज्य चुनाव आयुक्त की का पद निर्धारित किया गया है जो कि इसका जो कि ये चुनाव करवाता है। तो इसका जो प्रमुख कार्य है पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसमें चुनाव करवाना। और भी इसके प्रमुख कार्य हैं। ये क्या करता है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें उचित सामंजस्य करके चुनाव करवाता है। और जो राज्य चुनाव आयुक्त है एक स्वतंत्र अधिकारी है। पहले यही कार्य प्रादेशिक स्तर पर होते थे। अब हम पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग। वित्त से आपको लग रहा है कि ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त संबंधी कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो ये उसका क्या करवाता है, निपटारा करवाता है ताकि कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। तो जो राज्य वित्त आयोग है ये प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इसका क्या होता है, गठन होता है। जो स्थानीय स्वशासन की जितनी भी संस्थाएं हैं कि उनकी आर्थिक और वित्त संबंधी जानकारी लेता है। इस प्रकार ये जो राज्य वित्त आयोग है ये चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो उनकी आर्थिक स्थिति को क्या करेगा, निर्धारित करता है। ये हो गया राज्य वित्त आयोग। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था 73वां संशोधन। अब जो 74वां संशोधन है वो शहरी क्षेत्र के लिए है। इसमें भी 3 स्तर होते हैं, जैसे आपने देखे थे ग्रामीण में, इसमें भी 3 स्तर होंगे। नीचे से हम शुरू करते हैं तो पहला स्तर होगा इसमें नगर पंचायत।
दूसरा मतलब इससे बड़ा, ये सब जो स्तर बनाए जाते हैं ये जनसंख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। दूसरा है नगर पालिका, और जो तीसरा स्तर है वो ये बड़े शहरों में रहता है, मेट्रो सिटी में, नगर निगम, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होती है। तो 74वां जो संशोधन है, तो उसके जो अधिकतर उसमें जो कार्य दिए हैं वो अधिकतर कार्य 73वें संशोधन के द्वारा क्या होते हैं उसी के अनुसार, लेकिन कुछ अलग कार्य भी पाए जाते हैं। क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र है तो इसके जो कार्य हैं वो संविधान की 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। संविधान गलत हो गया है, संविधान की 12वीं अनु जो सूची बनाई गई है उसमें ये कार्य दिए गए हैं, 73वें के 11वीं में दिए गए, और 74वें संशोधन के जो कार्य हैं वो 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 73वें संशोधन और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन मतलब कब से ये लागू हुआ, तो लगभग 15 वर्ष हो गए हैं, उससे भी ज्यादा हो गए हैं। पंद्रह वर्ष से ज्यादा ये पंचायती राज व्यवस्था हुए लागू हो गए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो अभी 3-4 बार इसके चुनाव हो चुके हैं, और स्वतंत्र भारत के पहले भी, हमारा भारत जब देश आजाद नहीं हुआ उस समय भी ये पंचायती राज व्यवस्था को किसी किसी क्षेत्र में लागू किया गया था। अभी हमारे ग्रामीण भारत में लगभग 2,40,000 ग्राम पंचायत हैं, खंड स्तरीय 6,000 हैं लगभग, और जिला पंचायत 600 के लगभग हैं। इसी प्रकार शहरी में भी आप देख सकते हो, नगर पंचायत 2,000 और नगर पालिका 1,400 के लगभग हैं, और नगर निगम 100 से ज्यादा है। क्योंकि ये स्थानीय जो स्वशासन है इससे ग्रामीण क्षेत्र में सभी को एक मंच मिला और सभी को अपना प्रभावकारी ढंग से अपनी जन समस्याओं को सुलझाने का एक समय मिला, और जो महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया और वहाँ के लोग जागरूक हुए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन की हमें बहुत आवश्यकता थी, और अब हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन के क्या कार्य हैं। तो जन कल्याण, जनता के लिए, जैसे आप देख सकते हो ये वृद्धों व महिलाओं के लिए जितने भी जन कल्याणकारी सुविधाएं रहती हैं वो उनको प्रदान की गई हैं। विभिन्न जन सुविधाएं जैसे कि बस अड्डा बनवाना, और भी सड़कों का निर्माण करवाना, इस प्रकार ये विभिन्न जन सुविधाएं समय समय पर दी गई। शौचालय के निर्माण करवाना, मार्ग एवं प्रकाश व्यवस्था, ये आपको समझ में ही आ गया। पर्यावरण संरक्षण में आप जैसे कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना, उद्यान बनाना,
पेयजल व सफाई व्यवस्था हर क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण स्तर पर नगर पंचायत सभी पर सफाई व्यवस्था करवाना, ये थे हमारे स्थानीय स्वशासन के कार्य। तो ये इससे हमें क्या हुआ कि हर व्यक्ति को, निचले स्तर के व्यक्तियों को भी इसमें अपनी शासन की सुविधाओं में अपना योगदान देने का मौका मिला। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि हमें आवश्यकता क्यों है। तो आप जब लेसन पढ़ेंगे तो उसमें से आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। और भारत में स्थानीय, भारत में स्थानीय शासन के विकास के प्रमुख बिंदु लिखिए कि किस प्रकार इनका चरण क्रम से विकास हुआ। धन्यवाद।